हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, योर होस्ट एंड द योर वेट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गर्मियों के अंदर आपके डॉग को सबसे ज्यादा सताने वाली जो चीज होती है वो होती है एक्टोपैरासाइट्स। इसके अंदर बेसिकली फ्लीज आती हैं, टिक्स आती हैं, मेंजेस आती हैं, माइट्स आती हैं। तो हम क्या करते हैं गाइस, बहुत सारे शैम्पू का यूज कर लेते हैं, हम बहुत सारे स्प्रेज का यूज कर लेते हैं, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता। और बेसिकली कई बार तो हम बहुत सारी टैबलेट्स भी देते हैं, डिवॉर्मिंग की टैबलेट देते हैं, इन कीड़ों को मारने के लिए हम टैबलेट्स वगैरह देते हैं, बट फिर भी आपके डॉग की बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं ये रह जाता है। और स्पेशली गाइस, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके डॉग की बॉडी के अंदर एक टिक भी अगर देखा गया है ना, और उसने अपनी जो पॉपुलेशन को इंक्रीज कर लिया है, तो वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। और जैसे हम करते हैं ना कि हमें कोई टिक्स दिख गया, हम क्या करते हैं, हाथ से उसको निकाल देते हैं। तो गाइस क्या होता है, वो उसी टाइम ही अपने जो न्यू जर्मिनेशन कर देता है, बेसिकली वो एग्स वगैरह वहां पर ड्रॉप कर देता है, जिसकी वजह से उनकी संख्या बढ़ जाती है आपके डॉग की बॉडी के अंदर। तो गाइस अब क्वेश्चन तो ये आता होगा कि यार, वेटनरी फील्ड इतना आगे जा चुका है, तो क्या इसका एक प्रॉपर एक ट्रीटमेंट नहीं है जिसका एक हमें अच्छा रिजल्ट मिल सके? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका एक ट्रीटमेंट है, आपने स्पॉटोन का नाम सुना होगा कि बहुत सारे वेटनरी डॉक्टर कहते हैं हम स्पॉटोन का यूज करेंगे। आखिर ये स्पॉटोन है क्या? बेसिकली गाइज, एक मेडिसिन होती है स्पॉटोन, जो स्किन के ऊपर लगाई जाती है। अब ऐसा नहीं है कि पूरी बॉडी को ही कवर कर दो, वो छोटा सा एक ट्यूब सी होती है। अगर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता, लेकिन आप इसके बारे में नॉलेज इस वीडियो से जरूर गेन कर लोगे। ये एक ट्यूब टाइप होती है, इसमें लिक्विड निकलता है, यानी ड्रॉप्स निकलती है, स्पॉटोन्स जो होते हैं। आपको क्या करना होता है, बॉडी के डॉग की बॉडी के पूरे पार्ट पर हेयर्स को अप करके वहां पे ड्रॉप छोड़नी पड़ती है। किसी भी पार्ट में छोड़ सकते हो, जहां पे ज्यादा टिक्स वगैरह दिखते हैं आपको, मेंजेस वगैरह दिखते हैं, तो वहां पे आप ज्यादा मात्रा में भी लगा सकते हो, जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा और टिक्स से आपके डॉग को जरूर बचाएगा। तो जैसा कि अब बात करते हैं, हमें कौन सा स्पॉटोन यूज करना चाहिए। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे स्पॉटोन है, लेकिन जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, नेफली प्लस स्पॉटोन सॉल्यूशन। इसकी अगर मैं आपको कंपोजिशन के बारे में बताऊं, तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अंदर फाइब्रोनिल है और साथ में मीथोप्रीन है, जो कि एस मीथोप्रीन है, जो बेसिकली टिक्स को मारने में, फ्लीज को मारने में, और जितने भी जो एक्टोपैरासाइट्स हैं उनको बचाने में आपके डॉग की हेल्प जरूर करेगा ये, ठीक है। तो ये स्पॉटोन अच्छा है। इसकी इंडिकेशन में यही बात लिखी हुई है, ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ऑफ फ्लीज, टिक्स एंड लीज, ठीक है। और साथ में गाइज, अब मैं बात करता हूं इसकी डोजेस की और बेसिकली प्रेजेंटेशन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें एक पिपेट आती है, यानी जो मैंने आपको एक ट्यूब टाइप सी बताई, जिसमें थोड़ा लिक्विड सा होता है, ठीक है। तो वो जो एक यूनिट पैक होता है, वही एक कंप्लीट डोज होती है, यानी उसका आपको एक बार यूज करना है, अपने डॉग की बॉडी के ऊपर लगा देना है। आपको उसमें कुछ वेट रेंजेस है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। अब जैसे इसमें ब्रांड लिखा हुआ है, नेफली प्लस बॉटन फॉर डॉग, इजीली आपको वॉच भी हो रहा होगा, सॉरी दिख रहा होगा। तो इसमें कंटेंट क्या है, फाइब्रोनिल 9.8%, साथ में एस मीथोफ्रीन है। अगर बॉडी वेट आपके डॉग का 10 केजी से कम है, तो आप 0.67 ml यूज कीजिए पूरी बॉडी के ऊपर, यूनिट डोज रहेगी। 10 से 20 केजी है तो 1.34, अगर 20 से 40 केजी है तो 2.68 ml, एंड 40 से ज्यादा है तो 4.02 ml भी यूज कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूं कैट की, कैट के अंदर भी साल्ट सेम रहेगा इसका, लेकिन इसके अंदर मीथोप्रिन 11.8% है। अगर आपकी कैट 8 वीक की एज है एंड उससे ज्यादा है, तो आप 0.5 ml का भी यूज कर सकते हो। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये चाहते हो, आप घर मंगवाना चाहते हो इसको, तो आप Amazon पे भी परचेज कर सकते हो या Flipkart से भी परचेज कर सकते हो। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप इसका स्पॉटोन का यूज करो, तो ध्यान रखना, आईज के अंदर नहीं जाना चाहिए, ईयर्स में नहीं जाना चाहिए, नोज में नहीं जाना चाहिए, ना ही आपका डॉग इसको लिक करने पाए, बिकॉज ये मेडिसिन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एक मेडिसिन है, जो कई बार क्या होता है, अगर डॉग लिक कर लेता है तो इश्यू क्रिएट कर सकती है। तो आप एक काम करना, जो आपका जो डॉग को अगर आप इसका यूज करोगे, तो एक एलिजाबेथ कॉलर आती है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, नेक के ऊपर ऐसे लगती है, जिससे आपका डॉग उसको लिक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो गाइस, आपको इसका यूज करना है, और स्पॉटोन का यूज करोगे आपको रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। और एक बात और, अगर कोई प्रैक्टिशनर है, अगर कोई एक्सपर्ट है डॉग्स का, और साथ में अगर कोई वेटनरी डॉक्टर है, तो उसी से आप स्पॉटोन लगवाते हो, तो आपके लिए द बेस्ट रहेगा, बिकॉज उनकी कंसिडरेशन में ही इसका आप यूज कीजिए, तो आपके लिए अच्छी बात है। तो गाइस, ये मैंने इमरजेंसी के लिए बताया है, अगर अवेलेबल ना हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।